तो आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें कई सारे जो हमारा फोल्डर होता है, तो इस फोल्डर में जो हमारा कई सारे इम्पोर्टेंट डेटा है, लेकिन इस डेटा को हमारा कोई छेड़छाड़ ना करे, तो इसलिए वहां से आपको फोल्डर को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फोल्डर को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हो। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हमारा न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहां से आपका जाना है डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में सबसे पहले वहां से आपको न्यू फोल्डर बनाना है। तो वहां हमने पहले से फोल्डर बना दिया है कंप्यूटर का, तो वहां आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में जो हमारा डेटा है। तो चलिए इस फोल्डर को मैं सबसे पहले ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमने फोल्डर ओपन कर लिया है, तो वहां आप देख सकते हैं कि उसमें हमारा वीडियो और इमेजिंग है। तो लेकिन इस फोल्डर को हमें जो हाइड करना है, तो सबसे पहले वहां से आपको माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है। तो चलिए इस फोल्डर को, जो हमारा कंप्यूटर का जो फोल्डर है, तो इस फोल्डर को चलिए वहां से मैं हाइड और अनहाइड करके आपको बता देता हूँ। तो वहां से आपको जिस फोल्डर में आपको हाइड करना है, तो सबसे पहले वहां से आपको इस फोल्डर में आपको माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद वहां से आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। तो चलिए वहां से मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देता हूँ, और वहां से आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको हिडन पे क्लिक कर देना है। तो वहां से आपको हिडन का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद वहां से आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अप्लाई चेंज फोल्डर ओनली। जो भी आपको ओनली फॉर फोल्डर ऐड करना है, तो फर्स्ट में आपको क्लिक कर देना है, लेकिन जो हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर में जो हमारा सब फोल्डर और लेकिन उसमें जो हमारा फाइल है, लेकिन आपको सब फोल्डर और फाइल को ऐड करना है, तो वहां से आपको दूसरा ऑप्शन वहां से आपको सिलेक्ट कर देना है, लेकिन आपको सब ऐड करना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए वहां से मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, और सिलेक्ट करने के बाद वहां से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो वहां से आपको जो ओनली फॉर फोल्डर को ऐड करना है, तो फर्स्ट में क्लिक कीजिए, और सब ऐड करना है तो आपका दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए वहां से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप में जो फोल्डर था, इस फोल्डर वहां हमारा ऐड हो गया है, लेकिन जो हमें फोल्डर को ऐड किया है, इस फोल्डर को हम जो हमें अनऐड करना है, लेकिन इस फोल्डर को हमें जो वापस लाना है, तो सबसे पहले आपको जाना है कंप्यूटर में। तो चलिए वहां से मैं कंप्यूटर में जाके आपको बता देता हूँ। तो वहां से आपको जाना है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जाने के बाद वहां से आपको ओपन कर देना है। तो चलिए वहां से मैंने कंप्यूटर को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद वहां से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइज जो ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वहां से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से मैं क्लिक कर देता हूँ, और वहां से आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको फोल्डर ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको व्यू पे क्लिक कर देना है, और वहां से आपको व्यू पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको शो हिडन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि शो हिडन फाइल से, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से मैंने क्लिक कर दिया। तो चलिए वहां से मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां में अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से मैं डेस्कटॉप में जाकर आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप में जो हमने फोल्डर ऐड किया था, इस फोल्डर वहां हमारा वापस आ गया है। तो वहां आप देख सकते हैं कि फोल्डर हमारा वापस आ गया है। तो चलिए इस फोल्डर को मैं सबसे पहले आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा था, वैसा ही हमारा डेटा है, लेकिन जो फोल्डर है, जो हमारा फोल्डर नॉर्मल में आपको देखना है, जैसा ही था वैसा ही आपको देखना है, तो फिर से आपको फोल्डर में वहां से आपको माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है। तो चलिए फिर से मैं राइट साइड क्लिक कर देता हूँ, और वहां से आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। तो चलिए वहां से आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको जो हिडन का ऑप्शन है, उसमें आपको टिक मार्क को हटा देना है। तो चलिए फिर से मैं टिक मार्क को हटा देता हूँ, और हटाने के बाद फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद वहां आप देख सकते हैं कि जैसा ही फोल्डर था वैसा ही हमारा देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर से मैं वहां से आपको जो हमारा फर्स्ट में जो फोल्डर था वैसे हमारा फोल्डर देखने को मिल रहा है। तो वैसे आपको जो फोल्डर में जो आपको इम्पोर्टेंट डेटा है, तो वैसे आपको हाइड करना है फोल्डर को, तो वैसे आपको फोल्डर को हाइड भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।